दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपके सामने जो मेडिसिन लेकर आए हैं उसका नाम है प्रैगिल एम, जो कि प्रीगेबालिन और मेथाइल कोबेलामिन के कैप्सूल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रीगेबालिन आप मेडिसिन देख रहे हैं, कैप्सूल देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल डॉक्टर आपको न्यूरोपैथिक पेन यानी नसों के दर्दों को ठीक करने के लिए देते हैं। ये जो है आपके दर्द को कम करती है, साथ ही साथ कैल्शियम चैनल एक्टिविटी जो होती है उसको मॉड्यूलेट करती है, उसमें चेंजेस करके आपके दर्द को ये दवा कम करती है नर्व सेल में। ये मेडिसिन आपको नर्व फाइबर होने से बचाती है, साथ ही साथ जो नर्व सेल जो सेल्स आपके डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उसको भी ठीक करने में मदद करती है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है मिथाइल कोबेलामिन, जिसकी मात्रा इसमें 750 mcg है, और साथ ही साथ इसमें प्रीगेबालिन है जिसकी मात्रा इसमें 75 mg है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको खाने के साथ या खाने के बाद आप ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि सोने के टाइम आप इसको लें। बाकी आपका डॉक्टर जैसा आपको बताए उसी तरह से आपको इसको लेना है, और ध्यान रहे कि इसको आपको डेली लेना है, जिससे कि एक कंसिस्टेंट लेवल आपका बना रहे और दवा आपको बेहतर असर दिखाए। इस दवा की मात्रा कितनी लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है आपका डॉक्टर बताएगा, क्योंकि ये एक हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। अगर कोई डोज भूल जाते हो तो जैसे ही याद आए इसको ले लें, और पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद ही इसका इस्तेमाल बंद करें। बीच में इसका इस्तेमाल बंद करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सभी दवाइयों की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि जब ये दवा आप लेते हैं तो आपको चक्कर और नींद आ सकती है, तो कोई भी ऐसे मेंटल फोकस वाले काम ना करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है कि नेचर में आपको थोड़ा चेंजेस मिल सकता है और आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, साथ ही साथ अच्छा खाना पानी रखना है, जिससे कि आपका जो वेट गेन है वो ना हो पाए और आपका बॉडी मेंटेन रहे। और अपने डॉक्टर को अगर कोई भी अनयूजुअल चेंजेस आपको मूड में लगता है या कोई अजीबोगरीब ख्याल आता है या सुसाइडल थॉट आती है, तो अपने को मारने की बातें आती है आपके दिमाग में कुछ ऐसा सुसाइड करने का, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को फटाफट बताएं। दोस्तों अपने डॉक्टर को जितनी भी आप मेडिसिन ले रहे हो फ्यूचर में लेने जो है चल रही है, प्रेजेंट में जो चल रही है, या आपको पास्ट में जो भी बीमारियां रही हों उसके बारे में अपने डॉक्टर से बताना ना भूलें, क्योंकि आपका डॉक्टर इसके बारे में सारी हिस्ट्री जानकर आपको बताएगा कि आपको कौन सी दवा कब कैसे और किस तरह लेनी है। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी किसी भी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ये जो दवा है इसको आप कूल ड्राई और डार्क प्लेस पे रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब बात करते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। दोस्तों तो ये इसमें दो टाइप की मेडिसिन मिली हुई, मिथाइल कोबेलामाइन और प्रीगेबालिन। मिथाइल कोबेलामाइन इसमें विटामिन बी का फॉर्म है जो कि मदद करता है आपको माइलिन प्रोड्यूस करने में, वो सब्सटेंस जो कि नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करता है और उसको नया बनाता है, डैमेज सेल को ठीक करता है। प्रीगेबालिन इसमें अल्फ़ा 2 डेल्टा लिगेंड है जो कि दर्द को कम करता है, कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके, और साथ ही साथ दोनों दवाइयां मिलके आपके न्यूरोपैथिक पेन यानी जो डैमेज नसों का जो दर्द होता है उसको ठीक करके उससे आपको राहत दिलाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 10 कैप्सूल है आपका, इसकी जो MRP है वो 190 रुपये इसकी MRP है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इस प्रैगिल एम कैप्सूल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।